नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। इन दिनों दुनिया में जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वह है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। उसमें भी भारत के लिए जो सबसे जरूरी बात है वह है यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को देश में सकुशल वापस लाना। भारत सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठाकर काम भी कर रही है, लेकिन इस पूरे दौरान यह चीज सबसे ज्यादा सोचने लायक है कि बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र यूक्रेन में जाकर मेडिकल की एजुकेशन ले रहे हैं वह इस स्थिति में आए क्यों, उन्हें भारत छोड़कर यूक्रेन में शिक्षा लेने क्यों जाना पड़ा, आखिर सुरक्षा को उस समय ध्यान में क्यों नहीं रखा गया था, या फिर भारत में उनको उस तरह की शिक्षा क्यों नहीं मिली। निश्चित रूप से यह बड़ा सवाल है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आह्वान भी किया है कि कहीं न कहीं जब सस्ती शिक्षा यूक्रेन में मिल सकती है तो भारत में क्यों नहीं। इस पूरी उच्च शिक्षा को लेकर हम बात करेंगे और आज हम जुड़ रहे हैं एक हायर एजुकेशन के एक्सपर्ट जैनेश सिन्हा जी से। हायर एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं जैनेश जी और दिल्ली IIT के पास आउट हैं और बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। ज्ञान धन कंपनी के संस्थापक हैं। बेसिकली इसके साथ ही हायर एजुकेशन फील्ड में किस तरह से बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, उन्हें एजुकेशन लोन कैसे मिल सकता है, इसके लिए ज्ञानधन कंपनी काम करती है। हम सीधे जुड़ते हैं जैनेश सिन्हा जी से। जैनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका धन्यवाद जैनेश जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि चूंकि यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उनके एक से एक कई वीडियो सामने आए हैं, उन सभी वीडियोस को देख के कहीं ना कहीं मन द्रवित हो जाता है, यह स्थिति आखिर आई क्यों? और चूंकि मेडिकल एजुकेशन की बात है और हायर एजुकेशन की बात है, तो क्या यूक्रेन में जब बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं विशेषकर मेडिकल एजुकेशन के लिए, तो क्या इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता था पहले कि वहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से चीजें हैं या भारतीय छात्र वहां पर कितने सुरक्षित रहेंगे? जी जैनेश जी। जी, मेरा ये मानना है कि इस बात पे बच्चों का बहुत ही कम ध्यान था। जब हमारे पास कुछ बच्चों की एजुकेशन लोन की रिक्वेस्ट आती थी तो हम उन्हें इस बात से अवगत कराते थे, बट फिर भी अपने एम्बिशन के कारण वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे। हमारे देश में जैसा आप जानते हैं मेडिकल सीट्स की कमी है, छात्र ज़्यादा हैं। जब सीटों की यहाँ कमी है तो उनके पास कोई और विकल्प बचता नहीं है इसके बजाय कि वो बाहर जाके अपनी पढ़ाई पूरी करें। यूक्रेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपनी एजुकेशन कम पैसों में पा सकते हैं, तो अपनी एम्बिशन को आगे लेकर वो जाते हैं रिस्क उठाते हुए भी। और मेरा ये मानना है कि बाकी लोग भी उसको उनको इस रिस्क से अवगत कराते होंगे, बट फिर भी वो एक रिस्क को लेकर अपने यूक्रेन डेस्टिनेशन पर गए और ये अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है ये आ पड़ी है। जैनेश जी, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल अपने आप पैदा होता है वो यह है कि यूक्रेन में जो शिक्षा है वो इतनी सस्ती कैसे है और क्या उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जो भारत में है या फिर दूसरे देश जहां अधिक फीस लेकर मेडिकल एजुकेशन उपलब्ध कराई जाती है? क्वालिटी के मामले में यूक्रेन की मेडिकल एजुकेशन के बारे में बताइए। जी, वैसे तो जो भारत में जो कॉलेज है मेरा मानना है उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, इससे कम हो सकती है, बट जो क्वालिटी की जहां तक बात की जाए, जो डेटा हमारे पास है वो ये है कि यूक्रेन में जो विद्यार्थी जाते हैं जब वो वापस आके भारत में डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर की रजिस्ट्री का एग्जाम जो भारत में देते हैं, तो उनका जो पास होने का जो परसेंटेज है, रेट है, वो भारत में एजुकेटेड डॉक्टर से काफी कम रहता है। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि पढ़ाई की जो क्वालिटी है उसमें जरूर थोड़ा तो अंतर है जी, बट वही मैं कह रहा हूं कि जो अपने देश में सीट, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम है, सप्लाई और डिमांड का ऐसा इक्वेशन बैठा है कि हमारे यहाँ पढ़ाई की जो फीस है वो बढ़ गई है। इसका सोल्यूशन फीस बढ़ाना नहीं बल्कि सीटें बढ़ाना है, ये मेरा मानना है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं इस बात पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस से आह्वान किया है कि वह भी फीस कम करें ताकि बच्चे यहीं पर पढ़ाई कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या भी तो हमारे यहाँ काफी कम है। जी, प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या कम है और ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट कॉलेज है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं ना कि मेडिकल की। जी जी जी,
तो आपके हिसाब से मेडिकल एजुकेशन जो है उसको अगर साउंड बनाना है और उसमें सीटें बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह लोग यूक्रेन या किसी और देश में जाके पढ़ाई करते हैं छात्र, वो ऐसी स्थिति को फिर से न प्राप्त हो जैसी यूक्रेन में आज बनी हुई है। इसके लिए क्या लगता है आपको, भारत में मेडिकल एजुकेशन के लिए जो कॉलेजेस हैं उनको बढ़ा पाने में कौन सी चीज बाधा बन रही है? जी, मेरे हिसाब से दो चीजें करने की जरूरत है। एक तो मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत है, वो जैसे आप तुलना करें तो कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खर्चा लगता है वैसी फैसिलिटी बनाने में जहां पे हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन दी जा सके। एक आपको मेडिकल हॉस्पिटल भी चाहिए जहां पे आप यंग डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर पाए, वहां पे भांति भांति के मेडिकल इक्विपमेंट भी चाहिए जिनके जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इन जो प्रारंभिक खर्च है वो ज्यादा है। इसलिए लोग जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं तो इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, मेडिकल की तरफ कम जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए सरकार रियायत दे सकती है उन एजुकेटर्स को जो मेडिकल की फील्ड में इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहें, या जी उनको कम दर पे लोन प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि वो अपनी इनिशियल खर्चे को इससे पूरा कर सके। एक बार जब कॉलेज चलेगा, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देगा, तो उसके बाद वो अपने पैसों को वापस ले सकेंगे। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये तो केवल यूक्रेन एक देश जहां पे ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है वहां पे हम ये रिस्क देख रहे हैं। इसी तरह से हमारे देश के युवक कई देशों में बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, अलग अलग तरह की डिसिप्लिन में पढ़ने जाते हैं। और ये जो आदान प्रदान है स्टूडेंट्स का, ये विदेशों की जहाँ ऐसे देश जहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन की सिचुएशन है जैसे कि अमेरिका या फिर इंग्लैंड, वहां भी देखा गया है वहां के बच्चे कहीं और भी जाते हैं, तो बच्चे बिल्कुल जरूर बाहर जाएंगे एक्सपीरियंस लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। ये चीज हमारी सरकार को ये चीज जरूर करनी चाहिए कि हर देश में जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उनके हिसाब से जो फ्यूचर में हो सकता है उसके बेसिस पे उनको एडवाइजरी एक जारी करनी चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जा रहे हैं। जब वो बिल्कुल बाहर जाने का इंटरेस्ट दिखाएं, उनको ये चीज जरूर दिखाई जाए, बताई जाए, जिसको अवगत हो कि एटलीस्ट स्टूडेंट नहीं तो उनके पेरेंट्स इस बात को अकाउंट में लें कि ये रिस्क भी है इस एम्बिशन के साथ, उसके हिसाब से वो लोअर रिस्क कंट्रीज में जाए बिल्कुल बनिस्पत इसकी हायर रिस्क कंट्रीज में जाए। ठीक ये है दो चीजें करेंगे तो ऐसी सिचुएशंस कम आएंगी। जी। जनरल जी, जैसा कि यूक्रेन में इस समय हालात हैं, निश्चित रूप से अगर आज जो स्थिति है, आज से 20 दिन पहले वैसी स्थिति नहीं थी और 2 महीने पहले भी आशंकाएं तरह तरह की थी ही, तो भारतीय छात्र समय रहते, जो छात्र वहां से निकल गए वह तो सकुशल देश वापस आ गए हैं, लेकिन जो समय रहते नहीं निकल पाए वो आज फंसे हुए हैं। तो निश्चित जी रूप से एक जो आशंकाएं थी वो पहले से ही थी। क्या आप इस बात को भी, इस पे भी ध्यान दिया है आपने कि यूक्रेन या फिर ऐसे और भी कौन से देश हैं जहां पर छात्र जाते हैं भारतीय हायर एजुकेशन के लिए और वहां पर कुछ इस तरह की स्थितियां हों या कुछ इस तरह का माहौल जहां आशंकाएं ऐसी हों, कुछ ऐसे भी देश जहां के लिए इस घटना से सचेत होते हुए वहां के छात्र भी अपने आप को सुरक्षित पहले कर सकें या फिर थोड़े सावधान रहें? कुछ ऐसे देश भी हैं यूक्रेन जैसे हालात जहां भविष्य में कभी बन सकते हैं या फिर वहां पर भी ऐसी स्थितियां हैं? भारत के छात्र आमतौर पर जिन देशों में जाते हैं, अगर मैं उनका नाम लूं, सबसे ज्यादा जो छात्र जाते हैं वो यूएस में जाते हैं, उसके बाद कनाडा, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोप के कुछ और पार्ट। तो यूक्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ यूएसएसआर ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बस मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया जाए, यूएसएसआर के इन एक्स यूएसएसआर के जो पार्ट्स हैं इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह है वेस्टर्न वर्ल्ड का पार्ट है, वहां पे रिस्क मेरे हिसाब से तो कम है। अब बिल्कुल ठीक भगवान है। ना करें ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये उस लेवल तक ना जाए कि वहां पे कोई रिस्क हो, बट जहां तक मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बाकी जो डेस्टिनेशंस हैं वो रिलेटिवली सेफ हैं। ये कुछ रिस्की डेस्टिनेशंस थे जहां पे हमारे छात्र फंस गए।
बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां तो मुझे लगता है कि सालों, दशकों और सदियों में ही आती हैं जब इस तरह की स्थिति आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो छोटी सी भी बात हो उसको सोचना जरूरी होता है। जब भी आप बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं तब भी सोचते हैं, फिर तो देश से बाहर भेजा जाता है, तो निश्चित रूप से सोचना ही चाहिए। खैर, मैं आपसे जरूर बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ी संख्या में आप पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं, साथ में जो है कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप का भी आपका पूरा एक काम चलता है, तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेके चीजों को आप समझते भी हैं। खुद दिल्ली IIT से आप पास आउट हैं, तो फिर दिल्ली IIT तो अपने आप में एक बड़ा संस्थान है ही। तो चूंकि हायर एजुकेशन की बात चल रही है और आज इसको लेके एक इस युद्ध के बहाने और वहां फंसे भारतीय छात्रों के बहाने कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन, बेसिकली मेडिकल एजुकेशन को लेकर बात चल रही है, और उसको फीस के हिसाब से उसकी फीस कम हो, उसके कॉलेजेस बढ़े, एक अलग तरीके की बहस छिड़ गई है, और केंद्र सरकार, भारत सरकार के सामने एक ये बड़ा विषय अपने आप प्रस्तुत हो गया है उस युद्ध के बहाने कि वो अब इस दिशा में बहुत ही सार्थक तरीके से सोचे और कुछ करे ताकि भारतीय छात्रों को बड़ा आधार अपने मेडिकल एजुकेशन के लिए मिल सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन को लेके आप काम करते हैं, तो भारतीय छात्रों की स्थिति इस मतलब मेडिकल एजुकेशन की बात करें सीधे अगर, तो क्या है और किस तरह से वो भारत में रहते हुए लोन लेकर पढ़ाई कर पाते हैं और बाहर जाने पर जब वो लोन लेते हैं, दोनों में अंतर कैसा आप अनुभव करते हैं? जी जी जरूर। भारत में पढ़ने के लिए जो अपने टॉप मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे बिना किसी कोलैटरल या सिक्योरिटी के पूरी एजुकेशन का जो कॉस्ट है उसके लिए लोन मिल जाता है कई पब्लिक सेक्टर बैंक से, काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप मेरिटोरियस छात्र हैं और आप अच्छे संस्थान में आपका दाखिला हो गया है, तो आपको एजुकेशन लोन की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप SBI के ब्रांच में जाएं या बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाएं या ज्ञानधन को संपर्क करें, आपके एजुकेशन लोन का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे देश में कई मेडिकल कॉलेज हैं टॉप 20-30 या टॉप 50 के बाद जो मेडिकल कॉलेज आते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए आमतौर पर कोलैटरल की आवश्यकता होती है। कोलैटरल यानी कि प्रॉपर्टी, जिसको हम मॉर्गेज यानी कि गिरवी रखते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके पेरेंट्स की हो सकती है, आपकी किसी रिलेटिव की हो सकती है, किसी जानकार की हो सकती है। इसके बेसिस पे एजुकेशन लोन टिपिकली दिया जाता है। ठीक, कुछ अनसिक्योर्ड एजुकेशन यानी बिना कोलैटरल के एजुकेशन लोन का भी प्रबंध है इन लोअर रैंक्ड कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, बट वो कम ही लोगों को दिए जाते हैं। उसमें पेरेंट्स की जो इनकम लेवल है वो हाई होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो लोन दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। बाहर पढ़ने के लिए भी ये इसी तरह का एक मापदंड रखा जाता है। अगर कॉलेज टॉप लेवल का है, विश्व स्तरीय रैंकिंग पे अगर वो टॉप लेवल का है, तो वहाँ पे बिना कोलैटरल के एजुकेशन लोन उपलब्ध है। अगर उसकी रैंकिंग जो है थोड़ी ख़राब है, तो वहाँ पे कोलैटरल की आवश्यकता होती है। तो यूक्रेन में जैसे कि एग्जाम्पल हम लें, तो वहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए कोलैटरल की आवश्यकता होती थी एजुकेशन लोन देने के लिए। इसका ये लॉजिक जो लेंडर्स ने लगाया हुआ है यही है कि अगर रैंक कॉलेज का अच्छा है तो स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन के बाद नौकरी, इनकम एक तरह से निश्चित है, तो उसमें वो कोई सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। ठीक, बट अगर जी अगर रैंक थोड़ा खराब है तो एम्प्लॉयमेंट उतनी श्योर नहीं है, या उसमें हो सकता है टाइम लगे। अगर वो डॉक्टर हैं तो प्रैक्टिस में थोड़ा शायद टाइम लगे इस्टेब्लिश करने में, इस कारण से वो एक कोलैटरल सिक्योरिटी जरूर लगाते हैं साथ। तो मिला जुला के हमने अपने कई लोन कराए इन 6 सालों में, बट यूक्रेन के लिए एक भी लोन हमने नहीं करवाया है। बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से जो स्थिति आपके हिसाब से देखी जाए, तो आप पहले ही इस बात को कह देते हैं कि भाई वहां पर जाकर वो भी लोन लेकर वहां पढ़ना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। निश्चित रूप से आपके पास बताया कि एप्लीकेशन साइन थी, लेकिन जिस तरह से आपने उनको कन्विंस किया तो शायद वो माने होंगे या शायद कहीं और से उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा, लेकिन आपके थ्रू एक भी स्टूडेंट यूक्रेन नहीं गए। तो तय बात है कि
आपकी कंपनी इस बात को समझती है कि यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करना कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से तो दिक्कत देने वाला है ही, और इस तरह की स्थितियां जैसी हैं और उसको लेके कहीं ना कहीं जो मन में आशंकाएं होंगी वो भी एक बैकग्राउंड में चलती ही है। निश्चित बात है, सही बात जी, निश्चित रूप से अगर आपसे कभी इस बात का सजेशन लिया जाए कि क्या यूक्रेन में जाके मेडिकल एजुकेशन लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपका सजेशन क्या होगा वह भी क्लियर तरीके से बताएं आप। जी बिल्कुल, मेरा यही सजेशन होगा कि यूक्रेन में एजुकेशन लोन, मैं हर चीज को रिस्क और बेनिफिट के कंपैरिजन की तरह देखता हूँ। तो यूक्रेन में जाके आप मेडिकल डिग्री लेंगे, उसका डेफिनेटली जो फायदा है वो ये है कि कम कॉस्ट में आपको मिलेगी, बट उसका जो नुकसान है, आमतौर पे जो भारत का जो मापदंड है वो वहां पे आपको पास होने की आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, सक्सेस रेट जो है वो कम है, जो कि ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। आमतौर पे मेरे ख्याल से आपको वहाँ पे MBBS की पढ़ाई करके फिर अपने आप को एक सेकेंडरी कोर्स करना पड़ेगा, हायर लेवल एजुकेशन की एक और कोर्स करना पड़ेगा वापस या तो भारत आके या किसी और ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाके जिसकी रैंकिंग पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी हो, वहाँ पर आपका कॉस्ट और लगेगा। तो ऑल्दो आपको शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि कम पैसों में काम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए एकेडमिक प्रोफेशनली आपका एक्सपेंस उतना ही लग जाएगा और समय ज़्यादा लगेगा। तो मेरा नपा तुला जो सुझाव रहेगा बच्चों के लिए जो ये ऑप्शन देख रहे हैं कि वो इस ऑप्शन को लोअर प्रायोरिटी दें, न देखें, और ऑप्शंस देखें अपने करियर के लिए। कई और देश जहाँ पे न केवल एजुकेशन बल्कि परमानेंट रेसिडेंसी, यानी कि वहाँ रह के काम करना, वहाँ पे करियर बनाना, जिंदगी बनाना, इसके लिए स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर किया हुआ है। जो हमारे जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ वो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यहाँ पे काफ़ी क्लियर स्ट्रक्चर्स हैं कि आप पढ़ाई करके, बेशक वो मेडिकल फील्ड में नहीं होगी, किसी और फील्ड में होगी, बट वहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि वो इन ऑल्टरनेटिव्स पे देखें, यहाँ पे भी कॉस्ट काफ़ी कम है। मैंने US का नाम लिया क्योंकि US में कॉस्ट ज़्यादा होता है पढ़ाई का, इन देशों में कॉस्ट भी कम है, बेशक मेडिकल नहीं, बट किसी और बहुत अच्छी फील्ड में जहाँ पे आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है, वहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, वैसे करियर पाथ को आप चुन सकते हैं। बहुत सही आपने बताया कि निश्चित रूप से अब जो स्थिति है यूक्रेन की, कम से कम उस स्थिति को देखते हुए भारतीय छात्र वहां जाकर पढ़ाई करने के प्रति मुझे लगता है कम से कम कुछ साल तक तो खुद ही नहीं सोचेंगे, और बाकी उनके सामने और स्थितियां हैं, दूसरे देश हैं जहां पर सस्ती शिक्षा है और अच्छी व्यवस्था है, केवल मेडिकल एजुकेशन ही नहीं, और भी स्ट्रीम्स हैं जहां पर जाके वो खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वहां रहकर करियर बना सकते हैं। निश्चित रूप से जनेश जी, आपने जो अंतिम सुझाव दिया है कि यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई ना बाबा ना, तो तय बात है कि ये बिल्कुल सही है, और युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए तो बिल्कुल सही है कि वहां जाके पढ़ना एक ऑप्शन के तहत न रखा जाए, बल्कि और कई ऑप्शन है जिनको सोचा समझा जाए और उस पे आगे बढ़ा जाए। जनेश जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी और इस विषय पर चर्चा की। निश्चित रूप से स्टूडेंट्स जब इस चर्चा को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ उनको नई राह मिलेगी, कुछ नई सोच मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। आपने हमने हमसे बातचीत की, अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।